नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में सीबीआई ने बागंबरी मठ में सुसाइड सीन को रिक्रिएट किया। जी हां, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव 20 सितंबर को मिला था। इस दौरान केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ भी सीबीआई टीम के साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही सीबीआई के अधिकारियों ने बालवीर गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के ड्राइवर से भी पूछताछ की है और उन शिष्यों के साथ विस्तृत पूछताछ सत्र भी आयोजित किया गया जिन्होंने उस दिन महंत नरेंद्र गिरी के कमरे का दरवाजा तोड़ा था। आपको बता दें कि अभ्यास रविवार देर शाम तक चला। इस अभ्यास के तहत मृतक महंत के वजन के बराबर यानी कि 85 किलो वजन की एक डमी को उसी छत के पंखे पर लटकाया गया और शिष्यों को नायलॉन की रस्सी को काटकर और शरीर को नीचे लाकर पूरे क्रम को फिर से दोहराने के लिए कहा गया था। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस दौरान सबसे लंबी पूछताछ एक रसोइये से की गई जिसने उस दिन मठ में खाना तैयार किया था। आपको बता दें कि सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। सीबीआई ने इस पूरे क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया है। दरअसल जहां पर मठ के अंदर और जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला था उसी कमरे में इस पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया। एक डमी भी उसी पंखे से लटकाई गई जो कि नरेंद्र गिरी के वजन जितनी थी यानी कि 85 किलो की। और रसोइये से खास तौर पर बातचीत की गई है कि आखिर उसने कब देखा और कैसे उसे लगा कि वहां पर कुछ अनहोनी हुई है, किन लोगों ने दरवाजा तोड़ा और किन लोगों ने महंत के शव को नीचे उतारा था। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से ज्यादा किसान संघों के एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। इसी क्रम में एसकेएम के मुताबिक किसानों के इस ऐतिहासिक संघर्ष के 10 महीने पूरे होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये बंदी सुबह से 6 बजे शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक लागू रही। इस दौरान लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस देशव्यापी हड़ताल के दौरान पूरे देश में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक और अन्य संस्थानें, दुकानें, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठान के साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम भी बंद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कार्य सहित सभी आपातकालीन प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं, व्यक्तिगत आपात स्थिति में भाग लेने वाले लोगों को छूट दे दी गई थी। ये बंदी देश के कई हिस्सों में लागू रही तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी किसानों द्वारा भारत बंद का सहयोग किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने आगरा, बस्ती, ग्रेटर नोएडा, हरदोई, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शामली, सिद्धार्थनगर, ये अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर भारत बंद का असर देखने के लिए आज मिला है। इस दौरान किसानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जिन वजह से कई जगहों पर भीषण जाम भी देखने को मिला। वहीं भारत बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमारा भारत बंद सफल रहा, हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन बात हो नहीं रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ वो जिले हैं जो हम लगातार कवर कर रहे थे और जिसकी एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे। इसके अलावा तमाम और राज्य हैं जहां पर भारत बंद का असर देखने के लिए मिला है। यूपी के ये जिले आगरा, बस्ती, ग्रेटर नोएडा, हरदोई, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शामली, सिद्धार्थनगर, अलग अलग तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत बंद का असर देखने के लिए मिला है। तमाम किसान, तमाम किसान नेता, किसान कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और यहां पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर विरोध करते रहे। शाहजहांपुर में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने जितिन प्रसाद को बधाई देते हुए कहा कि जितिन प्रसाद के कैबिनेट मंत्री बनने से विकास कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी, साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जितिन प्रसाद जनाधार वाले और जमीन से जुड़े नेता हैं और अब वो सरकार में मंत्री हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि जितिन प्रसाद के पार्टी में शामिल होने और मंत्री बनने से प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास करने वाली बीजेपी सरकार एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी क्योंकि बीजेपी ने सभी जाति, धर्म और वर्ग का ख्याल रखा है और आगे भी ऐसे रखती रहेगी।
माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में आज 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, इनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 7 मंत्रियों को शामिल करके इस विचार को और पुष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर अमल करती है। और मेरा विश्वास है कि इन 7 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से ये सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक बहुमत दिलाएगा। साथ ही यहाँ तक जितिन प्रसाद जी के शाहजहानपुर में मंत्री बनने से शाहजहानपुर में और दूनी गति से विकास का रास्ता साफ करेगा, तो मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सीतापुर जेल में पूछताछ की। बता दें कि सपा नेता सीतापुर जेल में बंद हैं और ईडी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी क्रम में आजम खान से कई घंटों तक जेल के अंदर पूछताछ की गई। आपको ये जानकारी दे दें कि रामपुर से सांसद और सपा नेता आजम खान 27 फरवरी 2020 से कई मामलों के चलते सीतापुर जेल में बंद हैं। इससे पहले बीते सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी ईडी की टीम ने आजम से कई घंटों तक पूछताछ की थी। बीते सोमवार को हाईकोर्ट का आदेश लेकर जेल में पहुंची ईडी की टीम ने करीब 3 घंटे तक आजम खान से बंद कमरे में पूछताछ की। वहीं मंगलवार को फिर ईडी की टीम ने आजम खान से 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद टीम के अधिकारी शाम 4 बजे जेल से चले गए थे। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को भी ईडी की टीम में शामिल चंदन पुगलिया और पंकज त्रिपाठी ने आजम खान से पूछताछ की है। यानी कि आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो सकती हैं, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2020 से ही वो सीतापुर जेल में बंद हैं। हालांकि स्वास्थ्य जब उनका खराब हुआ था तो उसके चलते उन्हें जेल से बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक होने के बाद एक बार फिर से उन्हें जेल के यहाँ पर पहुंचाया गया है और लगातार जेल में ही उनसे पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर खीरी में शनिवार को संपूर्णा नगर में किसान गोष्ठी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के काफिले को काले झंडे दिखाने के मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जबकि 2 व्यक्तियों को नामजद करते हुए 40 से 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में संपूर्णा नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार सैनी ने बताया कि शनिवार को संपूर्णा नगर आगमन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले को महंगापुर और गंदनिया में किसानों ने काले झंडे दिखाए। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसको देखते हुए एक मुकदमा महंगापुर में झंडा दिखाने के लिए अमनीत सिंह और उसके 2 साथियों पर लिखा गया, जबकि एक अन्य मुकदमा गदिनिया में काले झंडे दिखाने पर महेंद्र सिंह समेत 40 से 50 अज्ञात लोगों पर लिखा गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अमनीत ने ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और काले झंडे दिखाने के साथ नारेबाजी की है। इस दौरान भीड़ में किसी ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया था और ना ही किसी व्यक्ति द्वारा मास्क का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, काले झंडे दिखाने को लेकर ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। 40 से 50 अज्ञात और कुछ नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री को यहां पर काले झंडे दिखाए गए थे, जिसको लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया। अमेठी के निवासी और सेना के जवान की मृत्यु के बाद सीआरपीएफ के जवान का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान इलाके में शोक की लहर रही। सीआरपीएफ के जवान को स्थानीय पुलिस ने अंतिम राजकीय सम्मान भी दिया। इसी के साथ सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा नम आंखों से जवान के पार्थिव शरीर को विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के लिए सीआरपीएफ की गाड़ी ने जवान के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा भी निकाली। बता दें कि 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से जवान शहीद हो गए थे। तिलोई तहसील क्षेत्र के इच्छाराम पंडित का पूर्वा गांव का रहने वाला ये जवान बताया जा रहा है। जो शहीद हुए, मेरा नाम आकाश मिश्रा है। पापा से परसों शाम को 6 बजे बात हुई थी, सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। रात के 9:30 बजे मम्मी से भी बात हुई थी,
उसके बाद 11:30 बजे फोन आया कि पापा का हार्ट अटैक हो गया। कब आए थे पापा, किस तरीके से आपके परिवार को? आए थे जुलाई में, फिर अगस्त में गए। हमेशा ये कहते थे कि अपना काम धाम करो, कहीं बाहर घूमने टहलने ना जाओ, अपने काम से काम रखा करो। कितने भाई बहन हो आप? और एक बड़े भाई और हम हैं। वो हमारे भाई थे और नाम था विजय नारायण। दूसरा कैसे आपको सूचना मिली, क्या था पूरा मामला? सूचना हार्ट अटैक की मिली है किसी अधिकारी के द्वारा, उनका हार्ट अटैक हुआ है, खत्म हो गया 11 बजे। कब आए थे आप, लोगों से कब मिले थे, कैसे परिवार को चलाने के लिए? ये उसमें रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन के पहले आए थे गुड़िया में, और उसके बाद बहन के अब दीपावली में आएंगे। परिवार को चलाने के लिए किस तरीके से आप लोगों की जो है बातें चला करते थे, किस तरीके का सामंजस्य था घर परिवार में? बड़ा अच्छा रखते थे सामंजस्य और बातें करते थे। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां जिले में सिद्धौर कस्बे में मेन रोड पर लगे बाजार में डंपर ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही जान चली गई। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय रेशमा अपने मायके जा रही थी, इसी दौरान बाजार में एक डंपर ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। असंद्रा थाना क्षेत्र के सिद्धौर कस्बे की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बाराबंकी की तस्वीरें जहां पर एक महिला की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही जान चली गई। हालांकि जो डंपर का ड्राइवर है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और डंपर को अपने कब्जे में लिया है, साथ ही जो ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है। हमीरपुर में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दबंगों ने वक्फ बोर्ड की दुकानों के विवाद के चलते पति पत्नी पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। बता दें कि गोली पत्नी के कंधे में लगी है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने महिला को सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का एक पूरा मामला है। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दबंगों का जो कहर है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। दंपति पर गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली महिला को लग गई, जिससे महिला की हालत गंभीर है और गंभीर हालत के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, यानी कि RSSDI 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष पर मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में 10 लाख लोगों के ब्लड शुगर का परीक्षण करने वाली है। बता दें कि इस तरह का ये पहला प्रयास है जो इतिहास रचने वाला है। इस इवेंट को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। इसी को लेकर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंटर फॉर डायबिटीज केयर के निदेशक डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि RSSDI ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड रोटरी इंडिया साथ मिलकर विश्व हृदय दिवस यानी कि आने वाले 29 सितंबर को एक दिन में 10 लाख लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट करेगा। उन्होंने बताया कि आम जनता में हृदय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और सबको पता है कि मधुमेह और हृदय रोग का गहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि मधुमेह हृदय रोग और हार्ट अटैक से मृत्यु के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा देता है। बता दें कि डॉक्टर अमित गुप्ता इस अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। बता दें कि इस अभियान के लिए पूरे देश में 10,000 से भी ज्यादा साइट्स बनाई गई हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 50 से ज्यादा स्थानों पर 10,000 से ज्यादा लोगों के मधुमेह परीक्षण का लक्ष्य भी रखा गया है।
देखिए, भारत में लगभग 80 मिलियन लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, और 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है, और लगभग 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ के बारे में पता नहीं है। कोविड-19 के दौरान हमने ये देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको ना केवल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुए, ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा, और मोर्टेलिटी और मृत्यु दर भी ऐसे लोगों में ज़्यादा थी, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम शुगर को एक पहचाने और शुगर की बीमारी का इलाज करें, अगर शुगर है तो हम उसका इलाज करें, और अगर हमें शुगर नहीं है और होने का रिस्क है तो अभी से प्रयास करें कि हमें भविष्य में शुगर ना होने पाए। तो जैसे कि हमें बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 30 से 40 मिनट का डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हम अपने खान पान को ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें लगभग 7 से 65% तक जो हिस्सा आता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फैट की मात्रा को कम रखना चाहिए, तो ये सब करके हम अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर बैराज नहर पर आए दिन लोग नदी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन आज पुलिस की सतर्कता ने डूब रहे युवक को बचा लिया, एक नई मिसाल पेश की है। बताते चलें कि धौरहरा बाजार बाग निवासी इकरार ने अपने घर से नाराज होकर टेहरा पुल से नदी में छलांग लगा दी। इसी दौरान वहां से निकल रहे धौरहरा कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल जेपी यादव ने ग्रामीणों को शोर मचाते देखा और मौके पर पहुंचकर बिना अपनी जान की परवाह करते हुए बगैर नदी में छलांग लगा दी और युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। बता दें कि हेड कांस्टेबल जेपी यादव को उनके सराहनीय कार्यों के लिए पहले भी गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आगरा के हरप्रसाद रामराज इंटर कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल छात्रों ने स्कूल की जाली से एक अजगर को लिपटे देखा। वहीं स्कूल परिसर होने की खबर मिलते ही सभी छात्रों और शिक्षकों में दहशत फैल गई, जिसके बाद आनंद फानन में स्कूल के प्रधानाचार्य ने वन विभाग को स्कूल में अजगर होने की सूचना दी। बता दें कि वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर निकाला है। कस्बाबाद क्षेत्र के हरप्रसाद राजा राम इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने देवरनिया थाना क्षेत्र में 21 तारीख को नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना देवरिया के गुलड़िया निवासी भगवत शरण को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो गांव से भागने की योजना बना रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नाबालिग मृतका से उसके प्रेम संबंध थे, जिसके चलते लड़की गर्भवती हो गई थी, और जब लड़की ने यह बात उसे बताई तो उसने लड़की को गर्भनाशक दवाइयां भी दी, पर दवाई खाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, और जब लड़की ने उसे बताया कि उसका गर्भ 5 से 6 माह का होने वाला है, इसी के चलते लड़के ने बदनामी के डर से रात को करीब 1:30 बजे लड़की को बुलाया और पास के एक प्लॉट में ले जाकर रस्सी से लड़की का गला घोंट दिया और रस्सी पास में ही खेत में फेंक कर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना देवरनिया के अंतर्गत 20 तारीख को एक 16 वर्षीय युवती की डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में जो युवती है उसके पेट में 5 से 6 महीने का जो है वो गर्भ था। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा जो है वो पंजीकृत कराया गया था धारा 302 के अंतर्गत, और इसमें वेशना प्रारंभ की गई थी। इसके बाद वेशना में पता चला कि जो युवती थी उसका गाँव के एक जो 20 साल का युवक है उससे संबंध हो गए थे और उसका पेट में गर्भ हो गया था। उस युवक के द्वारा, प्रेमी के द्वारा, उस गर्भपात कराने के लिए उसको दवाई भी दी गई थी लेकिन गर्भपात नहीं करा पाया था। इसके बाद वो अपने सामाजिक डर से और सामाजिक बदनामी के डर से उसने युवती को एक सुनसान जगह बुलाकर उसका रस्सी से गला घोट दिया। इस पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत किया गया था, और क्योंकि जो युवती थी वो नाबालिग थी इसलिए इसमें अन्य धाराएँ हैं उनकी भी वृद्धि की जा रही है और युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अमेठी में थाना जामो क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के अंदर काम करते वक्त एक 45 वर्षीय राजगीर मिस्त्री बिजली की चपेट में आ गया, जिसे आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मिस्त्री को मृत घोषित कर दिया। जामो थाना क्षेत्र के कटारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बाराबंकी में दो दिन पहले भूमि विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि टिकैतनगर थाना क्षेत्र के घाघरा नदी के किनारे बसे गांव माझा परसावल में गांव के ही निवासी चचेरे भाइयों मुन्ना यादव और जहां बहादुर में कई सालों से घर के बगल में बने रास्ते को लेकर भूमि विवाद चला रहा था, जिसके चलते जंग बहादुर ने पीट पीट कर मुन्ना यादव की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी जंग बहादुर के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने जंग बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 25/9/21 को जनपद बाराबंकी के थाना टिकैत नगर के ग्राम परसावल से एक सूचना शाम को प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना पर टिकैत नगर थाना प्रभारी अपने फोर्स के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल थाने से काफ़ी दूर पड़ता है, जो नदी पार करके जाना पड़ता है। थाने की फोर्स मौके पर पहुँची तो इसमें दो भाइयों का विवाद था, जंग बहादुर और मुन्ना लाल दो भाइयों का रास्ते को लेकर विवाद था। इनमें पहले भी कहासुनी हुई थी। 25 तारीख की शाम को मुन्ना लाल, जो इनका सौतेला भाई है, ये नाव लेकर इनके रास्ते से निकल रहा था। फिर दोनों में कहासुनी हुई और रंजिश इनकी पहले से चल रही थी, उसने घात लगा करके उसने लाठी से प्रहार कर दिया, उसके सर पर चोट आई, उसकी डेथ हो गई। बॉडी को पीएम के लिए लाया गया। अभियुक्त के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, उसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। दिनांक 25/9/21 को जनपद बाराबंकी के थाना टिकैत नगर के ग्राम परसावल से एक सूचना शाम को प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना पर टिकैत नगर थाना प्रभारी अपने फोर्स के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल थाने से काफ़ी दूर पड़ता है, जो नदी पार करके जाना पड़ता है। थाने की फोर्स मौके पर पहुंची तो इसमें दो भाइयों का विवाद था, जंग बहादुर और मुन्ना लाल दो भाइयों का रास्ते को लेकर विवाद था। इनमें पहले भी कहासुनी हुई थी। 25 तारीख की शाम को मुन्ना लाल, जो इनका सौतेला भाई है, ये नाव लेकर इनके रास्ते से निकल रहा था। फिर दोनों में कहासुनी हुई और रंजिश इनकी पहले से चल रही थी, उसने घात लगा करके उसने लाठी से प्रहार कर दिया, उसके सर पे चोट आई, उसकी डेथ हो गई। बॉडी को पीएम के लिए लाया गया। अभियुक्त के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, उसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।